निर्देशक डॉक्टर राजेंद्र संजय द्वारा लिखित पुस्तक भोजपुरी फिल्मों का इतिहास का विमोचन अंधेरी पश्चिम स्थित एक सभागृह में संपन्न हुआ। उसी अवसर पर फिल्म जगत के लोक साहित्य व पत्रकारिता से जुड़े लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में कवि व पत्रकार देवमणि पांडे, अभिनेत्री लीली पटेल, अभिनेता लिनेश फर्नांडिस, कवि गीतकार राज बिहारी पांडे, फिल्म समीक्षक अजय ब्रह्मामज, पत्रकार आलोक गुप्ता, आरजे कीर्ति प्रकाश, निर्देशक संजय सिंह नेगी, पत्रकार व कवि पूनम विश्वकर्मा एवं फिल्म प्रोड्यूसर व फाइनेंसर शामी सिद्दीकी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आप सभी बात अभी कर रहे थे कि डिजिटल का जमाना है और उसमें ये बुक लिखी गई है, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत इनका अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत की डिजिटल के ज़माने में। और जो बुक पढ़ने वाले हैं वो बुक ही पढ़ते हैं, कितना भी मोबाइल लेके आओ, मोबाइल पे 50 बार उंगली घुमाओ, ये घुमाओ, बहुत मगजमारी। तो मैं, मेरे हाथ में अगर बुक आएगी तो मैं पहले बुक पढ़ूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है इनका कि ऐसे डिजिटल के ज़माने में इन्होंने बुक लिखी है और ये उम्र के पड़ाव में, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए इनका। मैं एक दो शब्द कहना चाहता हूँ भोजपुरी के बारे में। लेखक तो सबसे बड़ा होता है जो भोजपुरी लेखन पे ही रहती है ना, स्टोरी अच्छी है तो कचरा भी चल सकता है। जब भोजपुरी सही बोले लेखक इज द बैकबोन ऑफ द स्टोरी। और लेखक हो चाहे वो गीतकार हो, ये सब बैकबोन ही होते हैं। और वो रजे वो जो चित्रित करते हैं, बताते हैं कि हम किस रूप में हैं और कहाँ जा रहे हैं। अब आपको बताया मैंने कि जब भोजपुरी का सपना चढ़ा और लोगों ने भोजपुरी में फिल्में बनानी शुरू, भोजपुरी शब्द को लेकर, भोजपुरी टॉपिक को लेकर हिंदी में फिल्में बननी शुरू हुई थी। उस वक्त एक फिल्म बनी थी खिड़की, खिड़की में एक गाना रखा गया था, भोजपुरी में गाना था, वो हिंदी फिल्म थी, भोजपुरी में रखा गया था और वो था गांधी जी के ऊपर, ए हो चुन ए हो बुलानिया तू जाओ बजरिया लाओ चुनरिया से खादी की, क्या खादी की, हाँ खादी की, जय बोलो महात्मा गांधी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। ये चीज़ है, तो जो जरूरत है उसी का चित्रण होता है और वही पब्लिक तक पहुँचाई जाती है, पब्लिक उसको पसंद करती है। गलत चीज पब्लिक कहीं पसंद नहीं करती। हीरोइन थी तभी मैंने हुई दैया की थी, अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसका एक मुखड़ा याद है क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज ए डांसर, तो नृत्य नाटिका थी और कोई भोजपुरी प्रोड्यूसर ने बनाई थी ये नृत्य नाटिका, तो उसमें राज कपूर साहब चीफ गेस्ट बन के आए थे और इन्होंने काफ़ी तारीफ भोजपुरी भाषा भी की थी, आर्टिस्टों की भी की थी, सबकी की थी। और इसमें मैं हीरोइन का रोल कर रही थी, इसमें गाने का मुखड़ा मुझे याद है, वो थोड़ा सा गलत हो तो पता नहीं। घूंघट है एक शाम सलोना, नैना है दो तारे, ज्यादा ना तड़पाओ गोरी, हम है रूप के प्यासे, के घूंघट खोलो ना, के घूंघट खोलो ना। ऐसे नृत्य नाटिका होती थी, उसमें मैंने काम किया था भोजपुरी पिक्चर में। अभी तक मुझे कोई प्रोड्यूसर ने बुलाया नहीं तो अदब, क्योंकि हमने देखी इतिहास लिखने का भी एक एक वो क्या कहते हैं आवश्यकता है और गुण है, क्योंकि आप जब इतिहास किसी के बारे में लिखते हैं तो कम से कम 10 साल बाद तक उसको जोड़ना पड़ता है कि उसका 10 साल के बाद तक उसका रूप क्या होगा, या 10 साल पहले तक आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका रूप अधूरा रहेगा। मान लीजिए 2005 तक आपने अगर इतिहास लिखा है तो उसको आप 2010 तक 2012 तक आगे बढ़ेंगे, 5 साल 7 साल आगे बढ़ेंगे, तब जाके उसका रूप जो 2005 का है वो सामने आएगा, नजर आएगा। इसलिए जो भी इतिहास लिखा जाता है उसमें 10 साल का गैप हम लोग रखते हैं कि ताकि वो 10 साल के अंदर उसका जो रूप परिवर्तित होता है, उसका जो रूप धारण होता है, उसका जो स्थायी रूप आता है वो लोगों तक पहुंचता है। हम आज की बात अगर लिखते हैं तो इतिहास नहीं होगा, ये घटना हो सकती है, इतिहास नहीं हो सकता है। 5 साल के बाद हम यही घटना इतिहास बन जाएगी, तो इसीलिए जब इतिहास लिखते हैं तो 10 साल का हम लोग मार्जिन रखते हैं कि जब भी हम लिखते हैं 10 साल, अगर मान लीजिए ये 2000
23 है तो कम से कम 7 साल पीछे तक का हम लिख सकते हैं, 2015 तक का हम लिख सकते हैं, उसके बाद का हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ भी परिवर्तन आ सकता है टेक्नोलॉजिकली। राजन जी, इस पुस्तक में तीन हीरो का आपने जिक्र किया और तीन हीरो का आपने दरकिनार कर दिया। देखिए, ये तो सवाल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कि जो हुआ है वो हुआ है, जिसने रोल किया है उसने रोल किया है, जिसने रोल नहीं किया है उसको हम कैसे रोल दे सकते हैं जिसका नहीं है। कि आपने बात किया तो उसमें 2008 के बाद कई सारे जो ऐसे कलाकार हैं, खेसारी लाल और भी तरीके कलाकार। देखिए, खेसारी लाल 2008 के बाद के, उससे पहले के नहीं है। अगर हैं तो उस वक्त उनकी बनावट हो रही थी, वो बन रहे थे, बनने के समय में इतिहास नहीं लिखा जाता है, बन जाने के बाद ही उनका रूप जब सामने आ जाता है क्रिस्टल की तरह, तभी जब उसके बारे में हम कलम उठा सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि आपने इस बुक में पूरा फैक्ट लिखा है, तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी होगी, कुछ नेगेटिव चीजें भी आई एम श्योर आपने मेंशन की होगी इसके अंदर। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। उसको लेके किस तरह की कठिनाई आई, अगर उस बारे में कुछ बताए, क्या आपने क्या सच में मेंशन की है नेगेटिव चीजें भी इस पुस्तक में, अगर उस बारे में कुछ। देखिए, सबसे पहली बात बता दूं, 1964 में पहली फिल्म भोजपुरी की 1962 में बनी, 63 में बनी, 64 में बनी, 2 साल तक तो भोजपुरी फिल्म का तो बाबा था, जलवे थे, उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो गया 2 साल के बाद ही। क्यों? क्योंकि ये जो अधकुचरे लोग होते हैं ना, पैसा उनके पास होता है, ज्ञान नहीं होता है, तकनीक नहीं होती है, वो कूद पड़े भोजपुरी फिल्मों को बनाने में कि चलो हम फिल्म बनाते हैं। डायरेक्टर अधकचरा, टेक्नीशियन अधकचरा, राइटर अधकचरा, जिसको अरे पैसा इकट्ठा करना है ना, पैसा कमाना है, लोग पागल है पैसा के लिए, तो चलो बनाते हैं। तो नतीजे क्या हुआ, 1964 के बाद फिल्में खत्म होने लगी, 1968 के बाद तो एक भी फिल्म नहीं मिली, बनी नहीं है, बंद हो गई सब। 1977 तक 10 साल के पीरियड में एक भी फिल्म नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि लोगों में लालच आ गई, लोगों में पैसा बनाने का, अरे कुछ तो दीजिए, आप कुछ देंगे, कुछ ध्यान त्याग करेंगे तो आपको कुछ मिलता है और उसका फल भी मिलता है। आप त्याग ही नहीं करेंगे, आप लूटने के चक्कर में रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा। नतीजा ये हुआ कि भोजपुरी फिल्म बंद हो गई 10 साल तक। 1977 में फिर से 10 साल के बाद, 10 साल ही कहेंगे ना, वो जो पिक्चर थी दंगल करके आई पिक्चर, और रंगीन बन के आई, क्योंकि अगर वो ब्लैक एंड वाइट होता तो शायद लोगों में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन उस इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए दंगल को रंगीन बनाया, और वो पिक्चर इतनी सुपरहिट हुई कि फिर से दूसरी गाड़ी भोजपुरी फिल्मों की चालू हो गई, दूसरा दौर शुरू हो गया। और 1977 से लेके 1979 तक ये पिक्चर का दूसरा दौर चलता रहा, और एक के बाद एक टेक्निक, सोचिए ना, फिल्में हर साल बढ़ती गईं। 1986 में 19 फिल्म बनी है जो आज भी रिकॉर्ड है, किसी भी बोली में इतनी बड़ी फिल्म नहीं बन पाई है। एक साल में 19 फिल्म बनाना कोई छोटी बात नहीं है। सर, मैं ऐसी कोई रोचक जानकारी में था, डॉक्टर राजेंद्र संजय यहाँ सामने बैठे हुए हैं आपके, तो इस पुस्तक की जो रचना प्रक्रिया रही है, आपके मन में कैसे ये ख्याल आया कि भोजपुरी सिनेमा का इतिहास लिखना चाहिए, आप दो शब्द कहें। वैसे तो बचपन से ही मेरा झुकाव रहा था फिल्मों की तरफ, कुछ करना है, कुछ बोलना है, कुछ करना है, सिर्फ बैठे नहीं रहना है, और अगर लेखक बनना है तो लेखकीय जो गुण होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप लिख सकें, आप लोगों को बता सकें लिखकर। तो उस तरह का चांस मुझे मिला, उस तरह का सौभाग्य मुझे मिला, और मैंने आगे चलते चलते ये किताब आखिर में भोजपुरी फिल्मों का इतिहास तैयार हुई ये किताब, और छप कर अभी आप लोगों के सामने, आप लोगों के हाथों में प्रस्तुत है। राजन जी, इसके सोर्सेस इकट्ठा करने में आपको कितना वक्त लगा, और पुस्तक को पूरा
अंजाम तक पहुंचाने के लिए कितना वक्त लगा, लिखने में कितना वक्त लगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा इसका उत्तर भी आएगा, क्योंकि मैटर इसमें बहुत ज़्यादा है और इसके लिए पूरा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बिना स्टडी किए हुए किसी बात को अगर करना है, बताना है आपको किसी के बारे में, तो उसका प्लस माइनस सब सारी चीज़ों का गुणगान करना ज़रूरी होता है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखना शुरू किया। लिखने से पहले मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, कैसे पहुँचा है, रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ आई हैं, उन सारी कठिनाइयों का जिक्र करना भी ज़रूरी होता है। तब मालूम होता है कि उस चीज़ की पर्सनालिटी क्या है, उसकी कीमत क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने जब शुरू किया काम, तो इसमें आप सोच सकते हैं कि 50 साल का हिस्ट्री लिख रहा हूँ मैं, तो 50 साल के लिए कम से कम आपको कई महीनों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी स्टडी करके, अच्छी तरह से मीमांसा करके, फिर उसके बारे में प्लस माइनस लिखना ज़रूरी हो जाता है। वो मैंने किया और इसके लिए एक खुशी की बात यह है कि मेरे पास टेलीविज़न था, मेरे पास सब जो सुविधाएं होती हैं आजकल के पत्रिकाओं के जरिए माध्यम सब मुझको मिलते रहे और मैं उन पर देखता रहा, पढ़ता रहा, लिखता रहा, कंटिन्यूसली रेगुलरली मैं इसको पढ़ता रहा, देखता रहा, और जो जो भी परिचय, जो जो भी परिवर्तन आता गया, वो सारी चीज़ों का जिक्र मैंने किया। अब जैसे इसमें मैंने देखी, मैंने ये लिखा है कि ये 1962 में ये फिल्म बनी, गंगा मैया तो पियरी चढ़े, पहली भोजपुरी फिल्म, लेकिन जन्म से पहले 31 साल पहले 1931 में पहली हिंदी फिल्म बनी थी, बोलती फिल्म आलम आरा, उसमें इसका एक गीत लिया गया था कि, और वो गाना इतना हिट हुआ था कि लोगों की जबान को वो गाना था और हर लोग इसको गाते थे। और गाने में तो क्या है कि गाना के ज़रिए आप कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं, तो ये जो गाना लिखा गया उसके कि दर्शन के लिए मैं, उसका मतलब ये है कि मैं दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ, तेरा दर्शन नहीं मिल रहा है, तेरे शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, भगवान करे तू मेरे सामने जल्दी से आ जा। तो ये भोजपुरी में गाना था, भोजपुरी तो मुझे भी आती है, मैं भोजपुरी बोल सकता हूँ, बोलता ही हूँ। तो कहते हैं ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये भोजपुरी फिल्म ऐसी ही है, ये है तो बोली लेकिन इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पहुँचती है, छूती है, क्योंकि भोजपुरी बोलने वाले दुनिया के अधिकतर देशों में पाए जाते हैं जो रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये भोजपुरी सिर्फ बोली नहीं है, इसके अंदर बहुत गुण है, इसके अंदर बहुत वजन है, और ये वजन किसी दूसरी बोली में नज़र नहीं आता है, चाहे वो मैथिली हो, चाहे वो बज्जिका हो, चाहे वो अंगिका हो, किसी में भी ये गुण दिखाई नहीं पड़ता है जो इसमें है। और इसीलिए दूसरे लोगों ने भोजपुरी में आकर के फिल्में बनाना शुरू किया था, क्योंकि आप देखिए ना, इसके अंदर गुण है, तभी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे देश के, उन्होंने, उनकी भाषा भी भोजपुरी है, तो उन्होंने देखा कि उनकी भाषा में अभी तक तो कोई फिल्म बनी नहीं है, जबकि गुजराती में बन गई है, मराठी में बन गई है, मलयालम में बन गई है, तो हिंदी में की भोजपुरी में क्यों नहीं बनी है? तो उन्होंने विश्वनाथ प्रसाद साहब आदि से बताया, बात की, कहा कि भाई आपने पास तो इतना पैसा है, आप तो कारखाने के मालिक हैं, खदान के मालिक हैं, क्या आप एक पिक्चर नहीं बना सकते हैं? उनको एक प्रेरणा मिली विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी को, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बनाऊंगा पिक्चर। और उन्होंने बाद में नज़ीर हुसैन जी से मुलाकात की, बात की, उनसे स्क्रिप्ट लिखवाया और फिल्म बनी, और इतनी ज़बरदस्त पिक्चर बनी कि आज भी लोग उसको याद करते हैं, उसके गाने गुनगुनाते रहते हैं। तो चीज़ ये है कि अगर आप कुछ करते हैं, सही मायने में आप करते हैं, तो उसका असर बहुत दूर तक पहुंचता है। अब जैसे